तो दोस्तों, आज मैं जिम के लिए रोजाना की तरह सुबह घर से बाहर निकला। टाइम था 10 बजे के आसपास। तो मेरा मन जो है ना, कुछ चीज़ें देख के बेचैन हो जाता है, और वही जो चीज़ है जो मुझे बेचैन कर दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ दूरी पर पहुँच रहा है वाला था, बिल्कुल शांति से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब जैसे ही मैं जिम के पास पहुँचने लगा, तो मुझे एक ऐसे दिखाई दिए, नारी सशक्तिकरण का एक ऐसा उदाहरण दिखाई दिया कि हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन स्त्री से ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है। तो देखिए गाइस, मैं अब जिम के पास पहुँचता हूँ, तो ये एक स्त्री, एक बच्चा इसके साथ चल रहा है और एक बच्चा इसकी ठेली पर बैठा हुआ है छोटा, और ये बेचने जा रही है आज की मतलब खाना मिल जाए पेट भर के लिए। उसके लिए ये जो इसकी ठेली पर सामान रखा हुआ है चौको काले काले से, वो चीज़ें जो बेचने के लिए जा रही है। देखो, दूसरा छोटा बच्चा बैठा हुआ है। अब इसके बाद मैं और बेचैन हो गया जब मैंने ध्यान से देखा। मैं आपको दोबारा से रिवर्स करके दिखाता हूँ। तो आगे मुझे एक ठेली और दिखाई देती है, जिस पर आपने ध्यान से देखा, एक आदमी और दो बच्चों के लेके चल रहा है। तो वो समझ में आ गया कि ये दोनों मियाँ बीबी, इनके चार बच्चे हैं, और ये आज इस जद्दोजहद में निकले हैं कि इनको पेट भर खाना मिलेगा। रहने का ठिकाना तो मुझे शायद इनका सड़क हो, पर मैं इनके आगे तक जाना चाहता था। तो आज अपन इनको शाम को देखने चलेंगे कि ये कहाँ खड़ा करते हैं, और कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इनकी लाइफ में। हे भगवान, मुझे शक्ति देना।